हॉन्टेड हॉस्पिटल JNIMS, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल मणिपुर में सिचुएटेड है। बहुत सालों से यह हॉस्पिटल असेंशियल मेडिकल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता आया है, पर इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं, और इन अफवाहों की माने तो ये जगह हॉन्टेड है। कहा जाता है कि यहाँ गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके पास वाले वॉशरूम्स और कॉरिडोर रात के समय में सेफ नहीं है। ऐसी ही एक रात को नर्स अनंता, जिसने JNIMS हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन करा था, रात को गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी कि तभी अचानक से उसे कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज आई। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, तो वो कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में भी रोने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, तो वो कॉरिडोर में इस आवाज की ओर बढ़ने लगी। वो कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अनंता घबराने लगी थी, क्योंकि आवाज और तेज होती जा रही थी, पर वहां कोई भी नहीं था। अनंता डर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी, और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इससे पहले अनंता कुछ कर पाती, अचानक से उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर होने लगी, और उसके अगले ही सेकंड वो फ्लिकर होना बंद हो गई। अनंता को एहसास होने लगा, कुछ तो जरूर कुछ अननेचुरल हो रहा है। रोने की आवाज बढ़ती गई, और जैसे ही अनंता ने पीछे मुड़कर देखा, तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में वहां जमीन पर दीवार की तरफ मुड़कर बैठी हुई दीवार को रोते रोते स्क्रैच कर रही थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। ये देखकर अनंता एकदम सुन्न पड़ गई थी, जैसे अनंता की बॉडी ही फ्रीज हो गई हो। अनंता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, और उसके सामने वो लेडी पेशेंट कौन है, और ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। अनंता ने उस पेशेंट के करीब जाने का सोचा, और तब अनंता ने देखा कि उस औरत के शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही वो औरत अनंता की तरफ मुड़ी, अनंता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था, और वो उस बच्चे को लेकर अनंता की तरफ ही चलते हुए आ रही थी। पूरे कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा फ्लिकर करने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोले जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम सबने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला। अनंता बहुत डर चुकी थी, और वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रही थी। सामने से आ रही उस खून से लथपथ औरत की आंखों में इतना गुस्सा था कि अनंता का दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया था। अनंता ने बहुत हिम्मत की, और किसी तरह वो वहां से भागकर उस फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा, लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला कि उसने अपना फोन तो गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। वो रात अनंता काफी देर तक अकेली ही उस वॉशरूम में डर के मारे छुपी हुई थी। उसे डर था कि बाहर उसका सामना उसी भयानक औरत से हो जाएगा। तभी अचानक से बाथरूम के दरवाजे पर जोरों से खटखट हुई, और फिर अचानक बंद हो गई। इस सब के बीच अनंता की नजर उस बाथरूम में लगे एक बड़े से शीशे पर गई, और उस शीशे में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर अनंता कांप उठी। उस मिरर की रिफ्लेक्शन में वही खून से लथपथ औरत अनंता के ठीक पीछे खड़ी थी। अनंता डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनंता को लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। वो बस कुछ भी करके उस वार्ड से निकलना चाहती थी। वो जानती थी कि बाकी सभी नर्सें ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद नर्स वार्ड में थीं,
पर वहां जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर गुजरता था जहां पर उसे पहले वो भयानक औरत दिखी थी। पर अब अनंता के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो सीधा दौड़ती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी और बिना कुछ सोचे अनंता ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगाई और भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वो किस चीज से टकराई तो उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया। जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उसे कुछ देर पहले कॉरिडोर में दिखी थी। उस औरत की बॉडी को देखते ही अनंता को दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आंख खुली तो वो खुद उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी। उसे ड्रिप लगी थी और कई नर्सेज उसके आसपास बैठी थीं। अनंता ने सभी को अपने साथ हुआ हादसा बताया पर किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। सबने उसे कहा कि वो अपनी जॉब के चलते अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती और उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी चाहिए। उसी दिन की शाम को जब अनंता के रूम में कोई नहीं था, एक बूढ़ी नर्स वहां आई और उसने अनंता को बताया कि वो उस पर विश्वास करती है और जो औरत उसे कल रात को दिखी उसका नाम शयाना था। करीबन 20 साल पहले शयाना को अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट वीक में एक एबनॉर्मल पेन हुआ था और उसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चलते डॉक्टर्स ने शयाना की फैमिली को बताया कि उनके बच्चे या शयाना में वो किसी एक को ही बचा सकते हैं। फैमिली ने बच्चे को बचाने का डिसाइड किया पर इस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में शनाया और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। पर कुछ समय बाद ही शयाना के हस्बैंड के घर में एक बहुत भयानक आग लग गई और उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने शयाना की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। ये सब सुनते ही अनंता के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी, यहां तक कि उसने दूसरे हॉस्पिटल्स में नाइट शिफ्ट्स लेना भी बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या JNIMS सच में हॉन्टेड है? कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें जरूर बताइए। और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।